कुख्यात माओवादी कमांडर महाराज प्रमाणिक को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। जोनल कमेटी के प्रवक्ता अशोक ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी है। आरोप है कि महाराज प्रमाणिक पुलिस के बड़े अधिकारियों से मिलकर षड्यंत्र रच रहा था। जब भनक जोनल कमेटी को हुआ तब संगठन के 40 लाख रुपये, AK-47, 150 गोलियाँ, 9mm की पिस्तौल, टेबलेट और वॉकी टॉकी समेत लेकर फरार हो गया। महाराज प्रमाणिक के साथ में बेलून सरदार विभाग निकला है। संगठन को इसकी जानकारी तब हुआ जब महाराज प्रमाणिक बार बार इलाज के बहाने कई बार बाहर गया और पुलिस से मिला। महाराज प्रमाणिक सरायकेला जिला के ईचागढ़ प्रखंड के दौड़ुदा गांव का रहने वाला है। वर्ष 2009 में पार्टी में शामिल हुआ था। 2015 में जोनल कमेटी बनाया गया था। इसका काम ठेकेदार से लेवी वसूल कर संगठन को विस्तार करना था, लेकिन समय के साथ महाराज प्रमाणिक संगठन के प्रति लापरवाही के साथ साथ पार्टी के दस्तावेज अध्ययन में भी ध्यान नहीं दी और इसी के साथ दोनों को समाज से संरक्षण न देते हुए जन अदालत में पेश कर सजा देने की घोषणा माओवादियों ने की है। निष्ठुर दर्शक आज यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि माओवादियों में लोग शामिल कैसे होते हैं और उन्हें लेवी वसूली करने की जिम्मेदारी कैसे मिलती है और कैसे लोगों को माओवादियों में लिया जाता है। आज सब कुछ इस खबर में जानेंगे। माओवादियों की एक अपनी विचारधारा है, उनकी उद्देश्य है, वह भी समाज में रहते हैं, लोगों के साथ में रहते हैं। उद्देश्य विचारधारा की पुस्तकें भी माओवादी पढ़ते हैं, माओवादी संगठन में शिक्षक भी होते हैं, पढ़ाते भी हैं। माओवादी इसका मतलब भारत की कम्युनिस्ट पार्टी। माओवादी की सबसे बड़ी कमेटी का नाम पोलित ब्यूरो है। इसके बाद सेंट्रल कमेटी, स्पेशल एरिया कमेटी, रीजनल कमेटी, जोनल कमेटी, सब जोनल कमेटी, इसके बाद आता है एरिया कमेटी। आपने 6 कमेटी का नाम सुना, अब यह जानेंगे कि महाराज प्रमाणिक किस कमेटी में था और माओवादियों की विचारधारा से भटक गया। लेकिन बात यह है कि पुलित ब्यूरो सबसे बड़ी कमेटी है। इसमें 3 भी 5 भी 7 भी इससे ज़्यादा भी इस कमेटी में सदस्य होते हैं और पुलित ब्यूरो तत्काल निर्णय ले सकती है और यह निर्णय तुरंत लागू भी हो जाता है। लेकिन माओवादियों का सबसे छोटा अंश होता है एरिया कमेटी। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें तो एक पंचायत और एक प्रखंड को लेते हैं। पंचायत क्षेत्र में जो देखरेख करते हैं उस कमेटी का नाम एरिया कमेटी और जो कमेटी प्रखंड लेवल पर काम करती है उस कमेटी का नाम सब जोनल कमेटी है। लेकिन यहाँ बात हो रही है जोनल कमेटी का और माओवादियों के द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में भी जिक्र है कि महाराज प्रमाणिक जोनल कमेटी का दायित्व निभा रहा था और भाग गया। माओवादियों में शामिल होने के लिए गाँव घर आसपास तक पहुँचने वाले माओवादियों की टीम से शामिल हो सकते हैं या फिर माओवादियों में से किसी सदस्य से आपकी पहचान है तो उस माध्यम से भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन बात यह है कि 6 महीने माओवादियों के साथ में गुजारना होगा और यह 6 माह का समय गुजर जाने के बाद माओवादियों की टीम के द्वारा एक सदस्य बनने के लिए मेंबर रसीद मिलेगी। इसे सही तरीके से भरना है और देना है। आप कहेंगे कि 6 महीना का समय गुजारने के बाद ही मेंबर रसीद क्यों मिलता है जबकि पहले मिल जाना चाहिए। दरअसल बात यह है कि 6 महीने के दरमियान माओवादियों की टीम आप पर निगरानी रखते हैं, आपको उनकी उद्देश्य और विचारधारा सिखाते हैं। इस दौरान अगर आप 6 महीना गुजार लिए तभी आपको मेंबर रसीद मिलेगी। आप सबसे पहले एरिया कमेटी में शामिल होंगे और इसके बाद यहाँ पर भी ठीक ठाक रहा तो सब जनरल कमेटी में शामिल होंगे। यहाँ भी सही तरीके से माओवादियों की उद्देश्य और विचारधारा दिमाग में समा गया तो आपको जोनल कमेटी का दायित्व सौंप दिया जाता है। पिछले रिपोर्ट में हम लोग समझ गए कि एरिया कमेटी एक पंचायत लेवल का होता है और सब जनरल कमेटी एक प्रखंड लेवल का होता है। लेकिन हम सब यह जानेंगे कि जोनल कमेटी का एरिया क्या होता है। दरअसल जोनल कमेटी का एरिया बहुत बड़ा होता है। जैसे हम बात करेंगे महाराजा प्रमाणिक के बारे में जिन्होंने वर्तमान
माओवादियों के टीम से भाग निकला और माओवादियों के प्रेस विज्ञप्ति में इंगित है कि महाराज प्रमाणिक जोनल कमेटी का दायित्व निभा रहा था। आपको यह भी जानकारी में है कि झारखंड के दुर्दांत माओवादी कमांडर कुंदन पहान सरेंडर करने के बाद महाराज प्रमाणिक क्षेत्र को संभाल रहा था। महाराज प्रमाणिक के नेतृत्व में कई बड़ी बड़ी घटनाएं भी हो चुकी है। आम लोगों में भय व्याप्त था। दरअसल जोनल कमेटी को ही संगठन को विस्तार करने के लिए धनराशि जमा करने का जिम्मेदारी सौंप दिया जाता है। अब आप समझ गए कि जोनल कमेटी ही क्षेत्र में हो रही सरकारी कार्यों में लेवी वसूली करने का प्रावधान है। बाकी कोई कमेटी लेवी की वसूली नहीं कर सकते हैं और यह लेवी से प्राप्त धनराशि इसे आगे वाले कमेटी रीजनल कमेटी को दिया जाता है। मान लिया जाए 100 रुपया प्राप्त हुआ है, इसमें से 30 रुपया कमेटी रखती है और 70 रुपया रीजनल कमेटी को दिया जाता है। फिर रीजनल कमेटी उनके आगे वाले कमेटी को इसी तरह से राशि कटौती करके देती है। इसी तरह जोनल कमेटी उनके आगे वाले बड़े कमेटी को इस तरह राशि देती है और जोनल कमेटी अपने पीछे में 2 कमेटी और जिनका नाम सब जोनल कमेटी एरिया कमेटी है उन्हें भी देखना पड़ता है। माओवादियों के 6 कमेटी के बारे में विस्तार रूप से आप समझ गए होंगे, लेकिन यह जानना जरूरी है कि कमेटी के सदस्य सिर्फ पदधारी हैं। जैसे हम थाना प्रभारी का नाम लेते हैं या DSP SSP, उसी तरह माओवादी कमेटी के सदस्य का भी पद है जिस पद पर माओवादियों को जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। अब सवाल आता है कि माओवादियों के साथ में जो वर्दधारी बंदूक लेकर माओवादी रहते हैं ये सब किस दायरे में आते हैं, सवाल भी जायज है और जानना भी जरूरी है। दरअसल हम सभी जानते हैं कि भारत में कई ऐसे जवान के नाम हैं जैसे इंडियन आर्मी, जगुआर, BSF, उसी तरह बर्दधारी बंदूक लेकर रहने वाले माओवादियों का नाम भी PLGA है। इसका फुल फॉर्म होता है पीपुल्स लिबरेशन गुरिला आर्मी, जिसको हिंदी में जनमुक्ति छापामार दल भी कहते हैं। इसी तरह माओवादी कमेटी के सदस्यों के साथ में रहते हैं। आसान भाषा में आप यह समझ सकते हैं कि माओवादी कमेटी के सदस्यों को एरिया कमांडर, सब जनरल कमांडर, जनरल कमांडर, रीजनल कमांडर आदि से भी जाने जाते हैं। सब जनरल कमेटी और एरिया कमेटी के क्षेत्र के बारे में समझ गए, लेकिन अब जनरल कमेटी के क्षेत्र के बारे में समझेंगे। जिस कमेटी में रहकर महाराज प्रमाणिक नेतृत्व कर रहे थे, झारखंड की राजधानी रांची जोन क्षेत्र से खूंटी, रांची और पश्चिम सिंहभूम जोनल कमेटी का क्षेत्र आता है। इस कमेटी में महाराज प्रमाणिक अमित मुंडा समेत 6 से 7 लोग इस कमेटी के सदस्य हैं, लेकिन महाराज प्रमाणिक सक्रियता रहने के कारण घटनाक्रम में इनका नाम सबसे पहले आता है और पुलिस भी बेसब्री से तलाश करती आ रही है। अब माओवादियों की गंभीर सवाल पर बात करते हैं। महाराजा प्रमाणिक को जिस प्रेस विज्ञप्ति से जारी कर बताया गया है कि वह पहले चोर था और उनको यह सब जानते हुए माओवादी संगठन ने शामिल भी किया था, लेकिन गद्दार निकला। इसका मतलब यह है कि माओवादी संगठन सही दिशा विचारधारा नहीं दे पाने के कारण गद्दार निकल गया। हालांकि इससे पहले कई माओवादी कमांडर टीम छोड़कर मुख्यधारा में लौट आए हैं, लेकिन माओवादी संगठन छोड़ने वालों का माओवादियों ने प्रेस रिलीज नहीं की थी। इसी तरह झारखंड के दुर्दांत माओवादी कमांडर जोनल कमेटी से रीजनल कमेटी में पदस्थापित थे और इसी दरमियान पुलिस के संपर्क में आकर सरेंडर कर दिया। वर्तमान स्थिति में गौर से देखें तो झारखंड के कई हिस्सों में माओवादियों की विस्तार में विराम लग चुका है और इसी विराम के बीच जोनल कमेटी के कमांडर महाराज प्रमाणिक पुलिस के संपर्क में आ चुका है और इसके साथ वेलुन सरदार भी है जो खरसवां का रहने वाला है। संभावनाएं है कि कुछ दिनों के बाद मुख्यधारा में लौटेंगे और अगर यह सब ठीक ठाक रहा तो जिस क्षेत्र में महाराज प्रमाणिक नेतृत्व कर रहे थे उस क्षेत्र में माओवादियों के खोप में गुजर बसर कर रहे लोगों के लिए एक सुखद संदेश भी लेकर आएगा। जाते जाते माओवादियों की एक और दस्ते के बारे में जानेंगे। प्लाटून दस्ता माओवादियों के द्वारा बनाया गया एक दस्ते का नाम है। जोनल कमेटी के तहत से कुंदन पहान के नेतृत्व में 3 प्लाटून दस्ता बनाया गया था।
प्लाटून के एक दस्ते में 27 से 35 माओवादी होते हैं और यह दस्ता बनाने के लिए एलजीसी के 3 दस्ते की ज़रूरत होती है। जब एक प्लाटून दस्ता तैयार होता है, इसमें 2 पावरफुल कमांडर, 3 सेक्शन कमांडर और 3 सहायक कमांडर होते हैं और इस दस्ते में प्रशिक्षित राजनीतिक कमिश्नर, डॉक्टर और ख़राब होने पर हथियार बनाने वाले मिस्त्री भी होते हैं। आने वाले खबर में आप बताएंगे कि पहले माओवादियों ने जन अदालत लगाकर लोगों की हत्या करते थे, लेकिन अब बगैर जन अदालत लगाकर लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, वजह क्या है? आज इतना ही, फिर मिलते हैं। निष्ठुर देखने वाले सभी दर्शकों को जोहार, नमस्ते।